Hey, hello guys, this is again Gunjan here on your own channel. So today we are going to start with noun, gender. हमारी जो सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ द स्पीच की उसमें हम नाउन को डिस्कस कर रहे थे. नाउन भी आगे फर्दर डिवाइडेड है आपका जेंडर में. जेंडर क्या होता है जिसमें हमें पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुलिंग है, मीन्स वो मेल है या फीमेल है, फेमिनिन है या मस्कुलिन है, राइट. सो जब भी हम बात करेंगे मेल जेंडर की तो मेल जेंडर में बॉय और सन जो है वो आपका ही में आएगा, ही जेंडर में, दैट इज मस्कुलिन जेंडर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर ऑफ गर्ल, यानी हम जब गर्ल की या डॉटर की किसी की भी ऐसी बात कर रहे हैं वो आपका शी कैटेगरी में आएगा एंड दिस वन इज फेमिनाइन जेंडर, राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव सम एक्सरसाइज ओवर हियर. ये बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई डिफिकल्ट है नहीं ज्यादा. हाँ, बस आपको थोड़ा सा वर्ड्स को ध्यान में रखना होता है, वर्ड्स के स्पेलिंग को. जिन बच्चों को प्रॉपर लर्न नहीं होते वो उसको एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा. फिर भी अगर आपको किसी और चीज में डाउट होगा तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज मैन, मैन का होगा वुमेन, किंग क्वीन, कॉक हेन, बुल काउ, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, सन डॉटर. एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. मैन आदमी, वुमेन औरत, किंग राजा, क्वीन रानी, कॉक एंड हेन मुर्गी मुर्गा, बुल काउ, काउ इज गाय, बुल इज बैल, हस्बैंड वाइफ यू नो वेरी वेल, फादर मदर यू नो वेरी वेल, ग्रैंड फादर दादा दादी, सन डॉटर बेटा बेटी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन क्लियर इट फ्रॉम मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.